नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, नए दिन के नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर लिया। जैसे मुझे जैसे कि आज मैं उत्तराखंड के नए गांव में पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है मल्लियाजोली। तो आज मल्लियाजोली का मैं ब्लॉग लेके आ गया आपके लिए। तो आपको ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर इसको चाहे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी देख सकते पीछे की ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पूरा, ये मल्लियाजोली का है। ये मल्लियाजोली का गाँव शुरू हो चुका है। यहाँ से नीचे देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है व्यू, वो देखिए पूरा गाँव है। तो आज मैं आपको पूरा गाँव दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी मत करना। तो चलते हैं नीचे गांव के। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है यहाँ का मंदिर, जो मल्लियाजोली का जो मंदिर है, गांव है उसका जो मंदिर है यहाँ पे है। तो मंदिर पे थोड़ा आशीर्वाद लेके यहाँ पे थोड़ा माथा टेक के उसके बाद नीचे चलते हैं। मैं नीचे पहुंच चुका हूं, यहां से शुरुआत कर रहा हूं एक एक घर का। तो यहां सबसे पहले मुझे जाते हैं, यहां पे प्लान का एक स्वरूप देखने को मिल गया यहां पे। तो हमारे जो पहाड़ दादा भूला जी सबूला पर घर छोड़ शहर में जाना शुरू का हाल लगे हजार। रोज़गार का कोई साधन है नहीं गाँव में और किसी भी तरह की सुविधा है नहीं गाँव में, तो इसीलिए गाँव के लोग यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं घर की हालत कैसी हो रखी है, एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है घर। देखिए ऐसा हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कई सालों से कोई लोग रहते नहीं है, यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है यहाँ पे। तो अब चलते हैं ऊपर, गांव दिखाएंगे आपको सारा। चलते हैं दगड़ियों, हाँ तुमको मैं मल्लियाजोली गाँव दिखाना पे लगी लगभग लगभग मैं इतिकला तला छटक गला गाँव कवर करना कोशिश करूँ। तो आज आ रहा हूँ मैं मल्लियाजोली में, तो मल्लियाजोली का घर दिखाएंगे आपको, कैसा गाँव है यहाँ पे, कैसे यहाँ के लोग हैं, कितने यहाँ पर लाइन हो चुका है। तो सभी चीज़ आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में आज, तो आप बिल्कुल भी इसकी मत करना। देखो क्या पता लगा सर, क्या होता दिखाने में, लेकिन क्या पता लग रही बहुत सारा। तो इतना है घर दिखाना शुरू हो चुकी है मुझे, तो तुमको पहले घर दिखाने तक। ये देखो तो ये था पचने दिन में, थोड़ा आगे दिन जाना पे उसको दिखाना तुमको पापे गुंडम से हो। तो इधर चलो, इधर दिखा दूंगा गाँव दृश्य, कितना प्यारा सा गांव है। तो ये देखिए मल्लियाजोली, इधर भी है घर बहुत ही प्यारा, और ये घर ये है इधर ठीक सामने पेड़ के बीच में दिख रहा है। ये देखिए इधर और ऊपर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं पूरे। देखिए कैसे बन रहे सीढ़ी नमो अनुसार, एक ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके देखिए तो प्यारा लग रहा है। वो चलते उधर, ये चलो चलने पाएंगे तुम्हें दिखाना। ये देखो सारे घर दिखाऊंगा आपको, ये देखिए कितना प्यारे प्यारे घर बनने के यहाँ पे, बहुत ही पुराने पुराने टाइप के घर। अभी घर धीरे धीरे बनना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो लकड़ी है ये लकड़ी बहुत महंगा मिलने लग गया और उन लोगों को ज़्यादा सहूलियत उससे मिलती है। इतना भारी भरकम कौन लेके आए, इसलिए कहते हैं कि वो ईंट और सरिये से बना दे रहे मकान आजकल। तो ये देखिए यहाँ पे खेती बाड़ी, देखिए यहाँ पे ये देखिए। तो ये देखिए इधर ही घर जो कैसे हो रखा प्लान की वजह से, देखिए देखिए एकदम टूट फूट चुका है ये वाला घर। तो आगे चलेंगे उधर भी सारे घर दिखाएंगे आपको, बाद में कोई ऐसे नहीं बोलेगा मेरा घर का नहीं बनाया। तो थोड़ा यहाँ से दूर से कवर कर देंगे सारे घर यहाँ से, देखिए तो थोड़े इतना घूमो जाऊँ पर थोड़ा सारा घर दिखा दूँ। ये देखो पश्चिम में ये घर यहाँ से, और थोड़ा आगे चल लूँ इतना लोग खेती बाड़ी करे पश्चिम, देखो यहाँ और थोड़ा आगे आगे चल लूँ पर वो सब दिखाना हो। ये देखिए तो हम काम कम बना रहे आम आयो, और इधर दिखा दूंगा चलो इधर देखो तुम इधर लोग लहसुन प्याज ये सब लगा रही हूँ। तो देखो मेरे गांव वीडियो बनाना थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पूरा गांव खाली होता जा रहा है, गांव में लोग कम ही रह रहे हैं, सारे प्लान हो चुके हैं, जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं वही रह रहे हैं और सारे नौजवान चले गए हैं। तो क्या करें, हम कुछ नहीं कह सकते दौड़े, बस हमारा तो एक मकसद है कि वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दें कैसा गांव की हालत हो रही है अभी। तो आप देख लीजिए और फिर बताना मुझे आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है। तो वापस दौड़े उसी घर में पहुंच चुका हूं मैं, परसों मैं इसी गांव में शादी में आया था,
मान लो जल्दी इसी गाँव में, तो ठीक है यहाँ पर मैंने आपको खाने की व्यवस्था भी दिखाई थी, यहाँ खाने की व्यवस्था की गई थी यहाँ पे इधर नीचे और उधर है बरात वहाँ पे थी, तो चलते उधर दिखाई थी आपको। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है गांव पूरा, चलते उधर दिखाते हैं आपको। आज मल्लियाजली पहुँच चुका हूँ, यहाँ के भी घर दिखा रहा आपको, तो इसी घर में परसों आया था मैं बरात में। ठीक इधर देखिए दिखाऊँ पहले, भैंस का बच्चा दो दो ये है एक वो है, ये तो उड़ गया मुझे देख के। तो इधर देखिए इधर दिखाऊँगा आपको, मैं शादी में परसों। नमस्कार, तो दौड़े चलते हैं ऊपर, ऊपर भी बहुत सारे घर है वो भी दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो ये चलते दगड़े इधर दिखाते आपको घर, चलते इधर चलते। ये देखो ये देखो आदू आदू मर्च ये धारे सभी, ये देखो मेरी भैंस बांध रही हूँ, मैं जल्दी यहाँ पर नहीं आई पर भैंस सबूली बांध रही सबको पा भैंस यसको यहाँ जा पा भैंस नहीं। तो दगड़े चलते इधर, तो दगड़े देखो यदि साग पात लग रही बहुत सारे लोगों लियो, तो यसे यसे इतने तरह घूमने घूमने मिकी दगड़े हो। मेरी बात है ना कि जो गाँव के ना लोग वो बहुत प्यारे रहने हैं, तो जग जग के लोग पूछ देने कि चला ची यहाँ पे ले चला यस के ले चला वस के ले, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता ही है मैं तो चाय पीता हूँ नहीं, तो फिलहाल के लिए जैसा भी है फिर आपको गांव दिखाते हैं। गांव तो सुंदर ही होते हैं, हमारे उत्तराखंड की बात ही कुछ अलग है। इसे देखो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से चलते पहले उधर दिखाते हैं उधर वाले सारे घर, फिर उसके बाद यहाँ से साइड से कवर कर देंगे पूरा, फिर एक बिन छोड़ेंगे ना, फिर बाद में लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा घर नहीं बनाया। तो चलो पे चलो आगे दिखा दूँ तुमको, यह देखो जैसे कुनकुना जाना हम गाँव, तो ये तो खूबी है गांव की ना, यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ही प्यारे रास्ते होते हैं। ये कुकुर दिखाऊँ मैं क्या, ये और एक मकान पाई जाओ घर और एक पाव उच्छ, तो गाँव में इसका सन है गाँव में अलग अलग है यानी ये उथर रहा जो इथर रहा ये कुंड रहा ये पन्हर रहा, तो ये कभी ज़रा टाइम लग जाए मेरी वीडियो बनाना में, तो पूरा गांव घूमना पड़ा, फिर एक एक घर छूट जाएगा, फिर लोग कहनी अरे यार भाई मेरा घर नहीं बनाया, थोड़ा उधर से उधर जाते तो मेरा घर मिल जाता आपको। तो यार मेरे को इतना पता है नहीं कि आपका घर कहाँ पे कैसा है क्या है, तो फिर भी यार इसके लिए मैं सारे घर दिखा रहा हूँ। तो इधर से चलते हैं इधर दिखाते हैं घर, तुम्हारा घर से हाँ इना घर से है, देखो पैन फैन फैला रही हो, तो यदि आप पैनी भरम फलैक्स आई हूँ दीदी और आप जानी हो माथा पर जाएगी पैन जी भाई, ओ पैनी की कमी है जाना गाँव में, एक बार पैन बंद है एक टाइम आए थे टाइमिंग फिक्स रहो ना गाँव में पैनिक, तो यूँ पैर से मेटा मन लग रही धगा धक धगा धक पैनी कमी नहीं आने जाना, तो ये अच्छा दीदी घर यो प्यारा घर देख सकते तुम, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर दिखेंगे आपके और घर, तो चलते दगड़ियो ये देखिए। शेर भौंक रहा है ऊपर से, इधर चलते उधर उधर घर बन रहा है वो दिखेंगे आपको। नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार सब बढ़िया चलते यहाँ से ऊपर, आप मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ के लोग प्लान कर रहे हैं वहीं पे एक नया घर बनने जा रहा है अभी, वो भी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, तो चलिए ऊपर बने रहे वीडियो में, बिल्कुल बिस्सी मत करना वीडियो को। तो इधर से चलते हैं, तो दौड़ ये देखिए जहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं ना अपने पहाड़ में, तो आप देख रहे हैं कि पहाड़ में जाया जाया लोग प्लान कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हर गाँव में ज़्यादा लोग प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए नया घर बनना शुरू हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर नया घर बन रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा यहाँ पे देखो कि किस टाइप का घर बना है, शहर बनता ना वैसे घर यहाँ पे बनने जा रहा है, बहुत ही प्यारा घर देखिए ये
तो यहाँ से सुंदर सा व्यू आ रहा है, बिल्कुल देखिए कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। यहाँ पे हरियाली के बीच में बसा गांव, देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए इधर दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे गांव का, क्योंकि इधर आगे मतलब आगे जो है ना ये भीमल के पेड़ लग गया है, उसे ठीक पीछे वो देखिए वो दिख रहा है आपको, ये गाँव है, बहुत ही प्यारा सा गाँव है मल्लियाजोली। तो तल्लियाजोली मैं आपको दिखाया था, तो मैंने पहले दिखाया था आपको, और अभी आया हूँ मल्लियाजोली में। तो बहुत ही सुंदर गांव है यहाँ पे, जो मल्लियाजोली गांव है ना, यहाँ पे प्लान बहुत ही कम है, बहुत ना के मात्रा में है। मैंने एक शुरुआत में आपको दिखाया था एक दो घर, तो उसमें प्लान थोड़ा लगा था मुझे, और उसके बाद यहाँ पे प्लान बहुत कम ही है। ये देखिए और है भी सुंदर सा गाँव, मल्लियाजोली गाँव जो है ना सुंदर सा गाँव है। तो चलते तो दौड़े में इतना बना चिमल, अब मैं इतना जानू जरा इतना एक आध घर रह गई हूँ, फिर बाद में यहाँ गिल दत्त जो अगला घर से वो गिल यहाँ तुम यहाँ घर नहीं बनाए दच्छी, तो दत्त के तुम्हें घर का वीडियो नहीं बनाए, तो यल जी मैं लीवर जाऊँ पे देखो कि तू तो प्यारा प्यारा घर बन देती हूँ। ओहो नमस्कार, बढ़िया है तुम्हारा घर दिखाना आज, तो ये देखो साग पात लगरी और इतना देखो घर, या बहुत ही पुराना टाइप का घर बनने के लगे। ये जो घर चाहिए मैं तुम्हारे पहला कहूँ कि ये एसी का काम करते हैं, क्यों ठंड के टाइम में गर्मी का महसूस होता है और गर्मी टाइम पे ठंड का महसूस होता है इसमें। तो चलते हैं आप इधर थोड़ा घर दिखाएंगे आपको, तो इधर भी देखिए बहुत ही प्यारा सा घर, और इधर देखिए ठीक आंगन पे यहाँ खेती भी कर रखी है, प्याज धनिया और बैगन आम का पेड़, आह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब चलते इधर, तो दगड़ियों चलते हैं इधर से दिखाते हैं सारे घर आपको, क्योंकि बाद में लोग कमेंट ना करें ना कि मेरा घर नहीं बनाया करके। तो देखिए इधर मोच छड़े में यहाँ पर पुट्टो में खेलने की, जो यह खाद का रूप लेगा ना गोबर ही अच्छा रहता है खेतों के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और इधर चलते हैं, इधर दिखाना तुमको घर हो कितने प्यारे प्यारे घर बन गए हाँ दी। तो ये देखिए यहाँ पे इधर से आपको सारे घर इतने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं ना दौड़ियों, तो शायद ही आपने ऐसे घर देखे होंगे, क्योंकि आज मैं आपको अपने चुनाई में दिखा रहा हूँ। आमा पहला गो बढ़िया, आमा पहला आमा पहला बढ़िया ठीक ठाक। तो दगड़ियों आप चलो आगे चल लो पाई पे, और इधर तुमको दिखा लो जरा आमा दर गप सप मार मोर पर थोड़ा टाइम पास आएगा पे, थोड़ा ऐसा है कि तो इन्जॉयमेंट हो ही जाता है। और ये देखो यह दिहा रिखू, ये रिखू बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अब, धीरे धीरे ये भी खो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे केले के पेड़, और इधर साग सब्जी लगा रखी ना यहाँ पे, और इधर ही परसों बारात में आया था, तो मैंने यहाँ खूब इन्जॉय किया था, डांस वांस खूब किया मैंने भी, तो दोस्त लोग भी आए थे उन्होंने भी खूब डांस वांस किया। तो चलते हैं अभी दिखाएंगे आपको सारे घर यहाँ पे, तो कुछ घर छूट जाएंगे तो क्षमा चाहता हूँ दगड़ियों, ठीक है अभी से बोल रहा हूँ आपको, कुछ घर छूट जाएंगे तो क्षमा चाहता हूँ। ओके चलो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्ट्रीम मत करना वीडियो को। ये देखिए दगड़ियों अब थोड़ा इधर रहेगी काद कूट रहेगी पे, इथला घर रहेगी उथला बनानो पे, फिर बात तुम कर लो यार घर नहीं बनाए मेरा घर नहीं बनाए, तो यार जी सब बनानो पे ठीक छो। यार देखो ये धनिया का धनिया ले लियो हो घर के, हाथ इतने प्यारे धनिया, और के धनिया शुद्ध धनिया लहसुन, और इधर देखिए घर दिखाऊं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे घर, ये देखिए। तो दगड़े ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा जगह देखिए यहाँ पे, और ये घर भी शायद लोगों ने छोड़ दिया है, कितना सुंदर सा घर देखिए, मतलब पूर्वजों ने बहुत मेहनत से घर बनाया और लोग छोड़ के चले गए, ये भी एक दुख वाली बात है, लेकिन वो क्यों छोड़े हैं ये भी एक कारण है। इसका कारण क्या है कि लोग प्लान इसलिए हो रहे सुविधा नहीं है, सुविधा होगी तो लोग क्यों जाएंगे छोड़ के। तो ये है दगड़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए वह कर, तो इधर देखिए घर सारे घर कबर हो चुके हैं लगभग लगभग, और एक खुशी भी हो रही है मन में कि हाँ भाई धन्यवाद, पूरा गाँव कबर हो चुका है, गाँव के कबर कबर के साथ आज मैं आपको यहाँ की सुंदरता भी दिखा रहा हूँ, गांव की सुंदरता ही बहुत ही प्यारी है यहाँ पे। और ये है मल्लियाजोली, बहुत ही सुंदर गांव, मैं दिखाऊंगा आपको चलिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए
ये चलते जरा दिखाते आपको, एक कुकुर ला गया चलो इतने चल रुपये इतने दिखाऊँ तुम घर। मत देखो मतलब प्लान करो लोगों ने इसे चलने पहले तो दिखाने ये घर ये है वो चलते ऊपर दिखाएंगे आपको, ऊपर भी घर है। ये पापड़ा यू धारी रही हूँ और मूड गुआ देखो तो सुंदर आम हूँ और ये सम्मत रहा है। हाँ ये घर ये है बहुत प्यारा सा देखिए अभी इधर और अब थोड़ा ऊपर रह गया वो भी दिखाऊँ आपको। ये देखिए तो इधर का घर दिखाएंगे आपको और इधर चलते हैं, इधर भी घर देखिए, इधर है घर प्यारा सा घर इधर है एक इधर। तो प्लान दो रहे हो इसी वजह से हो रहा है कि सुविधा नहीं है गांव में। अभी मैंने कई लोगों से बात भी की तो उनका कहना एक ही आया कि जब से यहाँ पे उत्तराखंड में बैलों पे पाबंद लगा दिया है ना सरकार ने, तब से यहाँ पे मतलब लोगों का प्लान ज़्यादा हो गया है, खेती बाड़ी बंजर हो गए सब कुछ रह नहीं गया, तो इसीलिए यहाँ पे लोग पलायन ज़्यादा कर रहे हैं। वो ये दिखाएंगे आपको, तो दगड़े हो इधर रह गो इधर रह गई थी तीन चार घर तो उल्ला बना दिन रुपये तुम्हें पता था कि बाद में लोग फिर कमेंट करनी मैंने बनाए। तो बहुत सुंदर सा घर है, सुंदर जगह है मल्लोजली। तो आज मल्लोजली आया हूँ मैं, यहाँ भी लगा प्लान हो ही गया, देखिए घरों पे तार लगना शुरू हो चुका है और कुछ घर तो इस कदर टूट चुके हैं कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं। ये देखिए इधर है, नमस्कार ओ नमस्कार नमस्कार। तो ये घर इधर भी था तो वो भी मैंने बना दिया, वो भी कवर कर लिया। तो उधर में कुछ ये बिल्डिंग दिख रही है गवर्नमेंट की, तो उधर चलते हैं। नमस्कार हो बढ़िया। तो एक गवर्नमेंट की भवन ये देखने को मिलना मुझे यहाँ पे, ये मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण के उपकेंद्र मल्लोजली सल्ट अल्मोड़ा, आप देख सकते इधर। तो ये है आयुष्मान भारत, ये सुंदर सा बिल्डिंग बना रखा है लेकिन शायद कार्य होता है नहीं होता है, वो तो गाँव वाले जाने और यहाँ के क्षेत्र जाने जिसको यहाँ सुविधा मिलती है। यहाँ से आप गांव की व्यू देखिए कितना सुंदर सा आ रहा है, पूरा गांव दिखेगा यहाँ से आपको। तगड़े तुम देख सकते कि दीदी दीदी घर में पहुँच गूँ मैं, ये अच्छा घर देखो तो प्यारा घर से देखो ये देखो ये तक पा देखो या कौन बैठी का वो कौन था पूरा घर घर था तो बहुत ही प्यारा घर था। तो दगड़ियो आज मल तुमको या मल्लोजली गाँव दिखा लूँ तुमको, तो कस लगा ब्लॉग जरूर थे कमेंट बॉक्स में। तो जो ये मल्लोजली रहनी छा जो निवासी है गांव को, तो उन्हें मेरा अनुरोध है कि इसे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और लोग भी आपके गाँव को देख सकें और उन्हें पता चले कि इतना सुंदर सा गाँव वो भी मल्लोजली कितना प्यारा सा गाँव है। तो ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे नई ब्लॉग की ओर, तब तक के लिए बाय।